हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड CIL जो है आपका, उसका मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो पोस्ट निकली हुई है सिस्टम IT की, उसका प्रीवियस ईयर पेपर। इसके पहले एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। वहाँ पर भी हमने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डिस्कस किए हैं। इस वाले वीडियो के अंदर भी हम जो नेक्स्ट उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वाले जो वीडियोस है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियोस कंटिन्यू करने के लिए। तो देखो, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ़ द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। देखो, एड्रेसिंग मोड्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपसे बोला क्या गया है कि अगर आपका जो ऑपरेंड है उसका एड्रेस एम्बेडेड इन द इंस्ट्रक्शन कोड इट्सेल्फ, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन कोड है उसी के साथ में अगर आपका जो ऑपरेंड का एड्रेस है वो एम्बेडेड कर दिया जाए, तो इस टाइप का एड्रेसिंग मोड क्या कहलाता है। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ते टाइम एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन अगर इसमें इफ़ द एड्रेस मोड नहीं होता और डायरेक्ट आपसे बोल दिया जाता कि अगर आपका जो ऑपरेंड है वो डायरेक्ट एम्बेडेड है तो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोला आपसे क्या गया है, एड्रेस के बारे में बोला गया है। तो देखो, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वैसे तो इसका आंसर जो है डायरेक्टली अगर हम देखें तो वो होगा आपका डायरेक्ट मोड, लेकिन अगर ऑप्शंस के बारे में हम बात करें तो रजिस्टर मोड की देखो, अगर हम बात करें तो रजिस्टर मोड में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ये वैसे फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही होगा, एड्रेसिंग मोड्स जो होते हैं उनको जो लिखने का जो तरीका होता है। तो यहाँ पर जैसे रजिस्टर मोड की अगर हम बात करें तो पहला वाला जो पार्ट होता है ये होगा आपका ऑपकोड का, और सेकंड वाला जो पार्ट होगा ये होता है बेसिकली रजिस्टर का एड्रेस। और एड्रेस क्या होता है, ये रजिस्टर का एड्रेस जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, जो CPU के जो रजिस्टर्स होते हैं उनको इंडिकेट करता है। और वहाँ से हमको क्या मिलता है, वहाँ से एक लोकेशन हमको मिलती है जिससे हम लोग कहाँ पर चेक कर पाते हैं डेटा को, मेमोरी के अंदर की डेटा कहाँ पर। तो ये वाला तो मोड होता है आपका रजिस्टर मोड। डायरेक्ट मोड की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मोड में तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका ऑपकोड है ही सही, और नेक्स्ट वाला जो फील्ड होता है इस फील्ड के अंदर डायरेक्ट एड्रेस होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा ये वाला पार्ट बच गया। सेकंड वाला अगर हम देखें, सॉरी थर्ड वाला अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट मोड, तो डिस्प्लेसमेंट मोड की अगर हम बात करें तो देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। इसमें बेसिकली आपके तीन पार्ट रहेंगे, पहला वाला जो पार्ट है वो तो ऑपकोड ही होगा, दूसरा वाला जो पार्ट है ये रजिस्टर का एड्रेस होगा, और थर्ड वाले पार्ट के अंदर एक अलग से एड्रेस रहता है। तो ये जो रजिस्टर वाला एड्रेस होता है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि CPU जो है आपका उसके अंदर से जो आपका रजिस्टर है वहाँ से हमको मिलती है पॉइंटर लोकेशन, और इस पॉइंटर लोकेशन को ऐड कर दिया जाता है इस एड्रेस के साथ में, उसके बाद हमको मिलती है मेमोरी के अंदर वाली लोकेशन। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट मोड। नेक्स्ट अगर हम देखें इमीडिएट मोड, तो इमीडिएट मोड में तो देख डायरेक्टली क्या होता है कि जो आपका ऑपकोड होता है, ऑपकोड के बाद में जस्ट आपका जो भी वैल्यू होती है, जैसे एग्जांपल में लेके चलूँ कि एक ऑपकोड लिखा हुआ है आपका ऐड और इसके जस्ट बाद में लिखा हुआ है 4, तो क्या करना रहेगा, इस 4 को ऐड करना रहेगा। कहाँ ऐड करना रहेगा, जो आपका एक्यूमुलेटर होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, एक्यूमुलेटर में होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एड्रेसिंग मोड जो है, ये जितने भी एड्रेसिंग मोड्स हैं ये सारे आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, इनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है। और अगर इसमें कुछ चीज़ जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि देखो, क्वेश्चन में एक बार पहले ये देख लिया कीजिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को डील कर रहे होते हैं और हमको उस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किसके बारे में है, ये है IP version 6 के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IP version 6 इज़ फॉल्स, मतलब कि जो ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। देखो, IP version 6 की अगर हम बात करें तो IP version 6 जो होता है ये 128 bit का होता है। IP version 4 के बाद वाला जो वर्जन लाया गया था वो है आपका IP version 6। साइज़ भी इसकी बड़ी है, IP version 4 जो होता था 32 bit का होता था, ये 128 bit का होता है। सिक्योर ये ज़्यादा होता है। यहाँ पे पार्ट्स जो होते हैं एड्रेस को लिखने के वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ज़्यादा पार्ट होते हैं, नॉर्मल सी बात है, आपको 128 bit का एड्रेस मेंशन करना है तो आपके पास जो पार्ट्स होंगे, जैसे 32 bit में तो आपके 8 8 bit के ऑक्टेट हुआ करते थे 4, यहाँ पे वो पार्ट्स ज़्यादा रहेंगी।
अब देखो ऑप्शंस अगर हम देखें, आईपी वर्जन 6 हैज़ नो वे टू डिस्टिंग्विश डिले सेंसिटिव पैकेट फ्रॉम बल्क ट्रांसफर्स। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट एक बार हम पढ़ लेते हैं, इन कंपेरिजन टू आईपी वर्जन 4, यहाँ पे कॉमा आएगा, आईपी वर्जन 6 हैज़ इम्प्रूव्ड हेडर स्ट्रक्चर विद लेस प्रोसेसिंग ओवरहेड। ये बात तो इसकी सही है भाई। आईपी वर्जन 4 और 6 की अगर हम बात करें, कंपेरिजन अगर हम इनका देखें, तो यहाँ पे जो हेडर स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, आईपी वर्जन 6 राउटर नो लॉन्गर हैव टू फ्रेगमेंट पैकेट। फ्रेगमेंटेशन वाला जो पार्ट है, पैकेट फ्रेगमेंट वाला जो पार्ट है, वो यहाँ पे आईपी वर्जन 6 जो है राउटर्स, उनको इसकी नीड नहीं होती, ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। आईपी एसईसी जो होता है, ये होता है आईपी सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी सपोर्ट्स इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आईपी वर्जन 6। तो अगर हम देखें कि ये जो तीनों के तीनों पार्ट हैं, ये तो 100% ट्रू है। लेकिन अगर फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम देखें कि बल्क ट्रांसफ़र्स जब होते हैं, तो आईपी वर्जन 6 जो है उसके पास में वेज होते हैं काफ़ी सारे, कि वो जो आपका डिले सेंसिटिव पैकेट्स है उनका डिस्टिंग्विशन कर सके या उनको डिस्टिंग्विश कर सके। तो मतलब इसका आंसर क्या निकल के आया आपका, फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये भी ट्रू है, ये फॉल्स नहीं होगा। तो मतलब आईपी वर्जन 6 के रेस्पेक्ट में ये गलत नहीं है। तो यहाँ पे जो नो लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो आंसर आपका क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, उसमें एक स्ट्रिंग दी गई है और आपको इसका क्या बताना है, हाफ मैन कोड। अच्छा इसका आंसर जो है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दो क्वेश्चन हम ऐसे इंक्लूड करेंगे इस सेशन में जो इजी है, आप लोग कर सकते हैं आसानी से, तो आप कमेंट करके इसको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इज़ फॉल्स। देखो अगर यहाँ पे हम ट्री की बात करें, तो ये जो ट्री हमको गिवन है ये बाइनरी ट्री है, और आपसे ये बोला गया है कि इसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फॉल्स रहेगा। तो पहला वाला अगर हम देखें, नोड बी इज़ द एंसेस्टर ऑफ नोड जी। नोड बी नोड जे का एंसेस्टर है, तो जे आपका यहाँ है। इसका अगर हम पेरेंट नोड देखें या फिर इसका नोड देखें जहाँ से ये नोड आया है, तो वो है ई। ई का अगर हम नेक्स्ट नोड देखें तो बी। मतलब पहला वाला जो पॉइंट है आपका, ये ट्रू है, हमको फॉल्स बताना है। इट इज़ ए कम्प्लीट बाइनरी ट्री, कम्प्लीट बाइनरी ट्री हम इसको बोल सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट पे आपका ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इट इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री। देखो बाइनरी सर्च ट्री जो होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि उसमें तीन नोड 100% रहने हैं। रूट नोड रहना है, उसके बाद में लेफ्ट चाइल्ड उसका रहना है, उसके बाद में उसका राइट चाइल्ड रहना है। और यहाँ पे कंडीशन क्या फॉलो करनी होती थी हमेशा, कि लेफ़्ट चाइल्ड की जो वैल्यू है ये आपके रूट नोड से स्मॉलर होगी, और जो आपका राइट चाइल्ड की वैल्यू है ये रूट नोड से ग्रेटर होगी। तो अगर हम इस ट्री की बात करें, तो इस ट्री को देख के हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो किस तरह की वैल्यूज़ है। अच्छा अगर हम इनको एज ए वैल्यूज़ मान के चलते हैं, तो जो अल्फ़ाबेट है ए, इसकी वैल्यू ए 1 होती है, बी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 2 होती है। तो अगर हम इस तरह से इनको देखें, तो आपका ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन आपका अगर हम देखें, नोड जे एंड के आर सिबलिंग्स। जे एंड के की अगर हम बात करें, तो ये दोनों सिबलिंग्स हैं, मतलब ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। तो यहाँ पे रॉन्ग क्या निकल के आया, मतलब फॉल्स क्या निकल के आया, कि ये बाइनरी सर्च ट्री है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट एनफोर्सेस दैट द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, कि जो प्राइमरी की होती है उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। नल क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की ही होती है जो किसी रिलेशन को या किसी टेबल को, जितने भी उसमें एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट्स के बारे में एक यूनिक आइडेंटिटी हमको प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट है जो बेसिकली ये चीज़ डिसाइड करता है या फिर डिफाइन करता है कि आपकी जो प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकती। तो इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट पॉइंट है, ये होता है आपका सॉरी एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो इस पे आप डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि ये कंस्ट्रेंट जो है इसी की वजह से या फिर यही डिसाइड करता है कि आपकी जो प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अलाउ बोथ एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द आइटम फ्रॉम आइदर एंड्स। देखो इसमें से ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है या कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो दोनों एंड से डेटा को डिलीट और ऐड करने के लिए हमको एक फीचर या एक हम ये बोले मेथड प्रोवाइड कराता है। तो अगर हम देखें इसको एग्जाम्पल से, आपको बोला क्या जा रहा है
कि दोनों एंड से हम डेटा को ऐड भी कर सकें और दोनों एंड से हम डेटा को डिलीट भी कर सकें। तो ये वाला जो पार्ट होता है या फिर ये जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली होता है आपका डबल एंडेड क्यू। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा आपका, डबल एंडेड क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है जो ऑप्शंस हैं उनको आपको मैच करना है। अच्छा देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली आप तभी अटेंड कीजिए जब आप 100% श्योर रहें या फिर आपके दो या तीन पॉइंट जो है वो आपके श्योर रहें, क्योंकि उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम देखें अटेन्यूएशन की अगर हम बात करें तो अटेन्यूएशन जो होता है बेसिकली आपका ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है। अटेन्यूएशन जो है आपका ये लॉस ऑफ एनर्जी से रिलेटेड रहता है। मतलब कि क्या, कि ऑप्शन इसका क्या निकल गया, ए। अटेन्यूएशन हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो ए वाले जो ऑप्शन हैं ये हमारे पास में दो हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें शैनन कैपेसिटी, शैनन और जो नाइक्विस्ट है ये बेसिकली थ्योरम्स होती है सिग्नल्स के अंदर, तो उससे रिलेटेड। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सिग्नल से रिलेटेड ही है, अटेन्यूएशन है या डिस्टॉर्शन है या शैनन थ्योरम है या नाइक्विस्ट थ्योरम है, ये बेसिकली जो सिग्नल्स होते हैं उन्हीं पे अप्लाई की जाती है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो शैनन कैपेसिटी है ये होता है बेसिकली आपका नॉइसी चैनल। नाइक्विस्ट बिट रेट की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका नॉइसलेस चैनल। और अगर हम देखें कि जो लास्ट वाला पार्ट है डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन की अगर हम बात करें तो डिस्टोर्शन होता है आपका कि सिग्नल जो होता है उसकी शेप के अंदर चेंजेज। तो डिस्टोर्शन होता है आपका चेंजेज इन द शेप ऑफ सिग्नल। अच्छा, इसको डी कर लीजिएगा। देखो आंसर अगर हम देखें तो फर्स्ट का आपका ए निकल के आता है, यहाँ पे आपके पास में ए है, यहाँ पर भी आपके पास में ए है। सेकंड जो है उसका सी है आपके पास में, तो ये वाला ऑप्शन आपका निकल के आया डी। थर्ड जो है उसका डी है आपके पास में, और फोर्थ जो है उसका बी है आपके पास। तो इसका आंसर क्या निकल के आता है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 7-बिट कोड। देखो 7-बिट कोड इनमें से कौन सा होगा। बी सी डी की अगर हम बात करें तो बी सी डी आपका बेसिकली 4-बिट कोड होता है। बी सी डी जो होता है ये जनरली 4-बिट में लिखा जाता है आपका, 0 से लेके और एफ, या एफ बोल सकते हैं आप, या फिर हम बोले नॉर्मल वे में डेसिमल वैल्यूज अगर हम देखें तो 0 से लेके और जो वैल्यू होती है वो होती है 15 तक। तो बेसिकली इसमें 16 जो वैल्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बी सी डी जो होता है आपका ये होता है 4-बिट का। 2421 है ये भी होता है आपका 4-बिट का। एक्सेस 3 कोड की अगर हम बात करें तो ये भी होता है आपका 4-बिट का। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्सेस 3 जो है, एक्सेस 3 का मतलब क्या कि जो आपकी वैल्यू है, जो डेसिमल वैल्यू है उसमें प्लस 3 आपका रहता है। बाइक्वेनरी की अगर हम बात करें तो बाइक्वेनरी बेसिकली दो पार्ट में या दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके कोड बनाया गया है, बाई और क्वेनरी। बाई का मतलब क्या, पहले दो पार्ट रहेंगे यानी कि 2-बिट रहेंगी, और क्वेनरी मतलब 5-बिट आपकी रहेंगी। तो टोटल बिट की अगर हम बात करें तो ये 7-बिट का आपका रहता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आया आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज बिल्ट ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड यूजेस सेपरेट कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। देखो आपसे बोला क्या गया है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर के लिए बनाया गया है, और वो हमेशा क्लाइंट और सर्वर के लिए अलग अलग सेपरेट कंट्रोल और डेटा कनेक्शन यूज मिलता है। जिसका जो आंसर होता है वो तो होता है बेसिकली FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस जो है वो प्रोटोकॉल्स पर भी बन सकते हैं। तो बाकी जो प्रोटोकॉल है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, या टेलनेट जो है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये मेल से रिलेटेड हैं दोनों के दोनों। ये है हम बोल सकते हैं जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ में लेते हैं जिनसे क्या करते हैं हम लोग स्क्रीन शेयरिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली टेलनेट को यूज़ में लिया जाता है। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इन प्रोटोकॉल्स को आप अच्छे समझ लीजिएगा, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिटेल में आप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन इससे आराम से बन जाते हैं आपके। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके पास में एक ब्लॉक आपको गिवन है। और देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँ, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट आपको दिया हुआ है और आपसे ये बोला जा रहा है कि ब्लॉक ऑफ 5 कैरेक्टर्स जो है उससे इनक्रिप्शन आपको करना है, किस वर्ड का करना है वो वर्ड आपको दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो निकालना होता है आपको वो इस डायरेक्ट मेथड से निकालना होता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप लोग कीजिएगा इस क्वेश्चन को, कमेंट कीजिएगा, इस बहाने आप लोग क्वेरीज भी कर लेंगे।
कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ये जो ऑप्शंस हैं आपके पास में, इनका आंसर बताइएगा, इनका आंसर क्या आएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। आप अगर हमें फेसबुक पेज पर मैसेज करना चाहे तो मैसेज भी कर सकते हैं, और मेल अगर आप हमें करना चाहें तो मेल भी आप हमें कर सकते हैं।